आज से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मद्देनजर कड़ी व्यवस्था की गई। बात अगर मेरठ की करें तो बता दें कि यहां कुल 36 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। बता दें परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, पहली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज की पहली शिफ्ट पूरी हो चुकी है, अब दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ का वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एग्जाम में कैसी सुरक्षा रही है, ये पूरी जानकारी लोकल 18 को मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा से मिली। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा आज से स्टार्ट हो रही है। ये 5 दिवस में 2 पालियों में होगी और ऑन एन एवरेज हर एक सेंटर पे, यहाँ पे मेरठ जनपद में 36 सेंटर हैं और हर सेंटर पे ऑन एन एवरेज 500 बच्चे हर पाली में हैं, तो 17,000 से 18,000 बच्चे हर एक पाली में एग्जाम दे रहे होंगे। उनको देखते हुए सभी व्यवस्थाएं, चाहे बस स्टैंड हों चाहे रेलवे स्टेशन हों, उन पर ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करना हो, ये सब की है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी सभी जगह पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं, पर्याप्त पुलिस फोर्स डेप्यूटेड है। सभी जगह पे बहुत कड़ी सुरक्षा में सभी चेकिंग हो रही है कि कहीं पे भी कोई भी एक इंपर्सोनेशन ना हो, नकलविहीन परीक्षा हो, शुचितापूर्ण तरीके से हो, तो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण है और उसी हिसाब से परीक्षा चल भी रही है। परीक्षा की सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी ये है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी साइबर टीम को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा सके। इसी कड़ी में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का क्या कहना है, सुनिए। जी, सुरक्षा के लिए आपने देखा है सुबह से ही पुलिस बल एक्टिव है। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो सभी सेंटर्स से पहुंचे हैं, उनको चेक किया जा रहा है कंट्रोल रूम के माध्यम से भी, और सबसे फोन पर लगातार वार्ता की जा रही है। जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी भ्रमण पर हैं। जो पुलिस बल सेंटर्स पे लगा है चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए वो है। सभी परीक्षार्थियों की भली भांति चेक करने के उपरांत उनको एंट्री दी गई है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स पर चेकिंग के लिए लगा रखे हैं अधिकारी, सभी भ्रमण पे हैं और जो परीक्षा है इसको सकुशल संपन्न करवाया जा रहा है। बायोमेट्रिक जांच हो रही है? जी बिल्कुल, इसमें बायोमेट्रिक जांच भी हो रही है और मैनुअल फ्रिस्किंग एंड चेकिंग भी हो रही है, उसकी ट्रेनिंग भी हमने करवाया है। और फ्रिस्किंग और चेकिंग और बायोमेट्रिक चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है और सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा है उससे लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर भी रखी जा रही है। और रूट में भी पुलिस बल एक्टिव हैं, जो अब सेकंड पारी वापस आएगी उसके लिए विशेष हम ध्यान देंगे कि वहां किसी को अभ्यर्थी को समस्या ना हो, इस हेतु पुलिस बल को भी पूर्ण रूप से निर्देशित किया गया है। एग्जाम सेंटर पर 750 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलों में हुई। इस बीच आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप नंबर 9454457951 या ईमेल आईडी satarkata.policeboard@gmail.com पर दे सकते हैं। लोकल 18 के लिए मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।